हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गिन्नी क्यूटनेस ओवरलोड। और आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है फुल डे रूटीन। और आज का मेरा ब्लॉग काफ़ी लंबा होगा। मैं वैसे छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है काफ़ी लंबा। और इसमें क्योंकि मैं पूरे दिन का रूटीन बता रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं कैसे ब्लॉग्स बनाती हूँ, पूरे दिन कैसे बच्चे को संभालती हूँ, पूरा घर का काम करती हूँ, मतलब सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ, इस सब के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं उठ गई हूँ, टाइम हुआ है 7:15। और आज मैं हेयर वॉश करूँगी पहले, क्योंकि काफ़ी टाइम से, मतलब 2-3 दिन से मैंने हेयर वॉश नहीं किया। पहले मैं अपने बालों में लगाऊँगी ऑयल, और इसके साथ साथ मैं अपना आप लोगों के साथ जो भी पूरा डे का रूटीन है वो शेयर करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे पूरा सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। और मैं सबसे पहले अब ये अपने रूम में ये बेडशीट है, इसको मैं और मेरी रात को ओढ़ते हैं, और ये गर्म बेडशीट है तो इसकी तय कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं सारे रूम की करूँगा डस्टिंग। पहले मैं चादर झाड़ लेती हूँ, और मैंने कल ही चादर चेंज की थी, और अब मैं कर लेती हूँ पूरे रूम की डस्टिंग जल्दी जल्दी से। और ये मेरी रूम की डस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। और मेरे पूरे रूम की हो गई डस्टिंग, और अब मैं जाने हूँ नहारे। इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी हॉल में झाड़ू, और फिर उसके बाद नाश्ता। और अब मैं नहा चुकी हूँ, और इसके बाद मैं करती काम स्टार्ट। गिन्नी के थोड़े से कपड़े हैं, थोड़े से वॉशरूम में रखे हैं, और ये डाल देती हूँ मैं मशीन में, तब तक धो जाएंगे। और मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए सारे, और मशीन में कपड़े डाल दिए, मशीन में पहले पहले कपड़े डाल दिए। और आज गिन्नी भी जल्दी उठ गई है, तो अब ये सबसे पहले ये, और अब मैं मेरे रूम की डस्टिंग हो चुकी है, और अब मैं सारे हॉल में झाड़ू। और गिन्नी ने अपने सारे कपड़े भी धोले पानी पीते हुए, उसके कपड़े वपड़े चेंज करके मैंने उसको सुला दिए। अब वो उठेगी 11:30। और मैंने अब हॉल में लगा दिया झाड़ू, और गिन्नी मेरे साथ ही उठ गई थी, 8 बजे उठ गई थी गिन्नी। मैं तो उठी थी थोड़ा जल्दी, और गिन्नी मेरे साथ 8 बजे उठ गई थी, और थोड़ा सा पानी पी लिया गिन्नी ने, वॉशरूम वगैरह कर लिया। और इसके बाद तब तक मैं झाड़ू लगा रही थी, तो गिन्नी को मैंने थोड़ी देर हॉल में उठा दिया था। अब गिन्नी फिर से सो गई है, अब गिन्नी फिर से सो गई है, और जब तक गिन्नी सो रही तब तक मैं नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ। अब गिन्नी अब सो गई है, तो उठेगी 11:30 बजे के आसपास, तब तक मैं अपना नाश्ता वास्ता सब कुछ बना लेती हूँ। और मैं आगे किचन में, और जी नानी को बहुत पसंद है चीज़ें बनाने का, घी रायता, और ये दोनों चीज़ें नानी को बहुत पसंद है। और नानी के हाथ में बहुत दर्द है, चोट लगी नानी को, पता नहीं कैसे क्या हुआ, दर्द हो रहा है, चोट भी नहीं लगी कह रही है, पता नहीं क्या, सुबह से नानी के हाथ में दर्द हो रहा है। नानी को मैंने पट्टी की है, काटती हूँ नानी हाथ, देखो चोट लगी नानी की, है ना, दर्द हो रहा नानी, हाँ। और इस वजह से नानी आज बाजी रोटी नहीं बना रहे, नानी तो कह रही थी मैं बना देती हूँ बाजी रोटी, पर मैं नहीं मना कर दी, नानी दर्द हो रहा, अगर नहीं नहीं दर्द कोई नहीं बना दूँगी, ये अंदर तो मेरे यहाँ पे उंगलियों से बनाऊँ, मैंने मना कर दिया। और आज मैं नानी की पसंद की दोनों डिश बना रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी नानी सास आई है हमारे घर पे, मतलब मेरे हस्बैंड की नानी जी, और तो उनको मूली की भुजी पसंद है, तो उनके लिए मैं मूली की भुजी बना रही हूँ। पहले मैंने अपना फ़ोन सेट किया है, और इसके बाद मैं जल्दी जल्दी से अपनी भुजी बना लेती हूँ, और साथ में साइड में मैं रायते की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों काम एक साथ करूँगे तभी जल्दी जल्दी ख़त्म होंगे। और हम 10:30 बजे के आसपास नाश्ता कर लेते हैं ज़्यादातर। और ये संदीप आ गए हैं, तो कह रहे हैं थोड़ा जल्दी कर, गिन्नी उठ जाएगी, वरना मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे हैं, तो मैं सो रही हूँ।
तरह से मैं एक तरफ बना रही हूँ मूली की भुजी और साइड में अपना रायते की तैयारी कर रही हूँ। और हम घी वाला रायता बनाते हैं, छोंक वाला रायता, आग वाला रायता बोलते हैं जिसको, जैसे उसमें घी में जीरा लहसुन डाल के और उसमें थोड़ी सी आग से लग जाती है वो वाला रायता, उससे धुएं की जो खुशबू आती है बड़ी अच्छी आती है। और एक तरफ मैंने वो वाला रायता बनाऊंगी मैं, थोड़ी कैंची लग गई है मुझे वो, जल्दी जल्दी से मैं काम निपटा लेती हूँ जब तक गिन्नी सो रही है, क्योंकि बच्चों के साथ काम फटाफट से करना पड़ता है सो के स्पीड से। और इस तरह से मेरा दोनों चीज़ बस अब हो गई है तैयार बस, और मेरी सब्जी और मेरा ये रायता बस बन के हो जाएंगे अब तैयार। और इसके बाद मैं फिर बनाऊंगी अपनी और हमारे घर में सबसे पहले बनती है लड्डू की रोटी, उसके बाद गाय की। और हमने घर में लड्डू गोपाल लाए हुए हैं और संदीप मेरे साथ अब थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चम्मच तेरे जैसे टेढ़ी है। मैंने बोला चम्मच तो रेडी हो गई, घी में रखी हुई थी ना, फ्रिज में जम गई थी, कहती तेरे जैसे टेढ़ी हो गई। और अब मैं खाना खा रही हूँ और सब कुछ 11 और 11 बजे और आज क्या करना बताओ आपको, सारे कपड़े तो मैंने भी अपने कपड़े चेंज करे। और अब ये गिन्नी खाने के बाद और रोड़ी है, इसको दूध पीना है और गिन्नी को थोड़ा सा मैं बाय कर दो फिर दूध पिला के आपको मैं खिलाऊंगी खाना। और मैं गिन्नी के लिए बना के लाई हूँ आलू का पराठा और मैं इसको खिलाऊंगी, टाइम बच चुका है एक। और गिन्नी खाने पीने के मामले बहुत ही वो है, बहुत कम खाती है, बहुत कम। अब देखो एक पराठा बनाया था मैंने आलू का, ये सारा बचा, सिर्फ दो बाइट खाई है, सिर्फ दो बाइट सारा छोड़ दिया ऐसे ही। और अब बच चुके हैं दो, मैं आ गई किचन में, मैं बना रही हूँ लंच जल्दी जल्दी से। पहले मैं नानी को और मम्मी को खिला देती हूँ खाना, इसके बाद मैं और संदीप खा लेंगे। और नानी को खिला रही हूँ खाना और गिन्नी तब तक खेल रही थी अपने पापा के पास जब तक मैं खाना बना रही थी। और मैं भी खाना खा के आ गई हूँ, अब मेरे बाद जाएंगे संदीप खाना खाने। और टाइम शायद हो गया है 3:30। बज चुके हैं 4, मैं भी आ गई हूँ। और गिन्नी बहुत और इस इंजेक्शन में भर के हम गिन्नी को दवाई देते हैं ज्यादातर, तो ये संदीप ने उसको खेलना सिखा दिया इसके साथ। बिंदु मम्मा को इंजेक्शन लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, लगा रही है, खुद को भी लगाती है, सबको लगाती है, खुद के भी इंजेक्शन लगा रही है, सुई सुई कर दिया से। देखो 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 बहुत खेलती है, बच्चे अपने खिलौने से कम और ऐसी चीजों से ज्यादा खेलते हैं जिनकी काम की नहीं होती। और इस तरह से गिन्नी देखो खुद के भी इंजेक्शन लगा रही है। और मैं 4 से 6 या 7 बजे तक गिन्नी के साथ रहूंगी, गिन्नी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। और वैसे तो गिन्नी के साथ ही रहती, साथ ही लेकिन काम भी करती, लेकिन अब मैं काम मेरा निपट चुका है ज़्यादातर, तो थोड़ी देर गिन्नी के साथ रहूँगी, खेलूँगी इसके साथ। और अभी गिन्नी खुद के इंजेक्शन लगा रही है और खेल रही है, बेड पे मस्ती कर रही है, इधर से उधर उधर से इधर भाग रही है, डांस कर रही है। और अब हम गिन्नी को थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो हम इसको दे रहे दवाई इंजेक्शन भर के। और हम मैं अकेले नहीं दे पाती क्योंकि बहुत ही मतलब सांस भूल जाती है इसको अगर दवाई देते हैं तो। अब संदीप ने इसको पकड़ा गोदी में और इस तरह से पकड़ के हम इसको दवाई देते हैं और बहुत रो रही है ये बहुत ज़्यादा। और इसने दवाई सारे कपड़ों पे गिरा ली थी तो और कपड़े भी गीले कर लिए थे, तो मैं इसके अब गिन्नी कपड़े चेंज कर रही हूँ, दिन में 4 से 5 बार मैं गिन्नी कपड़े चेंज करती हूँ। और शाम के बज चुके हैं शायद 5, उस पर टाइम है 5:30 और मैं बना लूँ चाय सबके लिए।
मैं बोलती हूँ और मैं कूट रही अदरक। अब आगे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड स्टार्ट होगी तो हम ठंड में, पूरी ठंड में हम पियेंगे अदरक वाली चाय, क्योंकि अब सबके गले भी थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, तो सब हम अदरक डालना चाय में स्टार्ट कर दिया है। और गर्मियों में हम डालते चाय में इलायची, और ऐसे अदरक अच्छी रहती है सर्दियों में। और जल्दी जल्दी मैं अदरक को कूट रही हूँ अच्छे से, ताकि मेरी चाय अच्छे से बने। और घर पे बुआ जी भी आई हुई है, संदीप की मतलब बुआ जी, वो और नानी जी, मम्मी पापा, संदीप, मैं, सबके लिए चाय। मैं चाय वैसे पीती नहीं हूँ, पर आज मेरा भी मन करके चाय पीने का, तो मैं पीऊंगी कप में चाय। मम्मी पापा संदीप पिए गिलासी में, स्टील में चाय पीते हैं क्योंकि बोलते कप में जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए मम्मी पापा संदीप पीते हैं गिलासी में चाय, नानी जी पियेंगे कटोरी में, और बुआ जी कप में। और मेरे जब तक चाय बन रही तब तक मैं अपनी मट्ठी निकाल लेती हूँ देने के लिए सबको। और मैंने फिर से निकाला दूध, और नानी भी मेरे पास आ गए, कह रही है कि बेटा मैं कटोरी में चाय लूंगी। और वैसे मुझे पता है नानी कटोरी में ही पीती है, मैं चाय छान लेती हूँ। और जल्दी जल्दी से मम्मी पापा फीकी चाय पीती हैं, तो मैंने फीकी और निकाल दी है मैं और संदीप का सबको पी चाय रही हूँ दे दी मैंने। चाय। अब मैं आ गई अपने रूम में। चाय बनाने के बाद मैं इतने सारे कपड़े पड़े इनकी तय करूँगी। ठीक है, चाय पी लेते, थोड़ी सी देना चाय। और जल्दी जल्दी चाय पी लेती हूँ, और चाय पीने के बाद फिर कपड़ों की तय। और चाय पीने के बाद मैं जल्दी जल्दी से कपड़ों को तय कर लेती हूँ। रोज इतने सारे कपड़े हो जाते तय करने के लिए, गिन्नी के तो कपड़े डेली धुलते हैं, क्योंकि बच्चे कप के कपड़े इतने गंदे होते हैं, कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ, दिन में 4-5 बार तो गिन्नी कपड़े चेंज करती है, तो गिन्नी कपड़े तो डेली धुलते हैं। और मैं जल्दी जल्दी कपड़ों को तय कर देती हूँ। और साथ में नानी आई हुई मेरे पास, मेरे रूम में, तो नानी से थोड़ी गपशप कर लेती हूँ। नानी कह रही है कि कुछ बता रही नानी मुझे। सारे कपड़ों की और अब और मैंने सारे कपड़े कर देते हैं, इनको मैं रख देती हूँ अलमारी में, इस तरह से गिन्नी की है साइड में अब अलग मैं आ अलमारी है, गई मतलब किचन हमारे में, दो और पार्टी, रात के गिन्नी का लिए खाना अलग है दिया। मेरा अलग। और मैं किचन में आ गई हूँ, और मैं अरबी धो रही हूँ, अरबी धो के रख देती कुकर में। जब तक गिन्नी सो रही है तब तक, अब वो उठने वाले उसको उठा देंगे, क्योंकि फिर अगर लेट तक सोएगी तो रात को नहीं सोएगी। तो और मैंने गैस पे चढ़ा दी है अरबी की सब्जी, तब तक मैं और काम कर लेती हूँ, बहुत सारे काम है। और थोड़ी सी लहसुन उठाओ नहीं थोड़ी भाई। देर में फिर मैं बाद में लगा दूँगी, फिर दिन में उठा देती हूँ। और ये गिन्नी उठ गई है, हमेशा ये रोते हुए उठती है, देखो। ये गिन्नी उठ गया, गिन्नी उठ गया, ये मुन्ना। ओए ओए कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ, उठो बेबी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, ओके। और और गिन्नी गिन्नी उठ बोला गई कि मैं है। उसके लिए कुछ उठ खाना के इसके लिए बनाऊंगी, मैं और मैं बनाऊंगी उसको चिल्ला। चिल्ला खिलाऊंगी, बनाने से पहले ये उसके लिए हमेशा घूम के बनाऊंगी आती है, पहले चिल्ला इसको घुमा के लेके बेसन आऊंगी, का। और फिर आके मैं बनाऊंगी चिल्ला इसके लिए, और फिर खिलाऊंगी। और ये गिन्नी की घूमने की तैयारी हो रही है। मैं इस गिन्नी के चेंज कर देती हूँ कपड़े वपड़े, इसके पजामे, और इसको अच्छे से तैयार कर देती हूँ घूमने गिन्नी ले जब जाने के लिए। और क्योंकि उठते साथ ही कुछ खाती नहीं, थोड़ा घूम के आएगी, फिर थोड़ा बहुत क्या पता खा ले। शूज़ वूज़ पहना दिए मैंने गिन्नी को, और बाहर जाने से पहले मैं गिन्नी को पहनाती हूँ ये वाला लॉकेट, ये हमारी माता का लॉकेट है, क्योंकि बाहर बच्चों को लगा के तो नानी, मम्मी बोलती है गिन्नी, ये अच्छा रहता है पहनने के नानी बच्चे। और मैं मैं, ऐसे नानी खड़े और हैं। गिन्नी जा रहे घूमने। क्या चाहिए, क्रीम? लो ये गिन्नी बोरो प्लस लगा के रखती है, बाहर देख लो, लगा लो फेस पे। शाबाश, बस चले बाय कर दो, इधर करना फोन की तरफ, इधर करो। अच्छा ठीक है, ये गिन्नी की बोतल और ये गिन्नी का पर्स साथ में लेते हैं, क्योंकि ये रस्ते में पानी मांगती है, और इसमें इसका है रुमाल, है ना? ठीक है बेबी, चलो करके आओ, कर दो, कर दो भाई। अच्छा हम सब आ गए हैं बाहर, मैं, गिन्नी, नानी। हाय कर दो बेबी, हाय कर दो, अच्छा लग रहा आपको है ना? पैदल पैदल चलोगे? गिन्नू ये देख भी नहीं रही, देखो देखो, चलो चलो भाग भाग के कर लो बात। पानी की बोतल लाई ना, नहीं इसमें इसकी जब हम आगे जाएंगे फिर देखना आप। गिन्नी मैं नानी जा रहे घूमने घूमने करने, देखो। अरे हेलो बेबी, और
नानी पीछे रह गई है, मैं और गिन्नी आ गए आगे। इस टाइम हम रोज घूम के आते हैं शाम को, है ना गिन्नी? आपको कैसा लग रहा है? और हम इस टाइम रोज शाम को घूम के आते हैं। आजो 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 मेरे बेबी आजो आजो। मम्मा का फिंगर पकड़ो। मैं और गिन्नी खाएंगे। गिन्नी क्या खाएगा? मैं चाउमीन। शॉप पे आए नानी के साथ और हम खाएंगे मोमोस। खाएगा ना? हाँ। खाएगा? हाँ। चाउमीन खाएगा? पक्का? दिन बताना क्या खाओगे? कैसे खाओगे चाउमीन? पक्का खाओगे? पक्का? और भैया हमारे लिए बना रहे चाउमीन। हमने हाफ प्लेट चाउमीन लिए और खाएंगे। और गिन्नी को भी अच्छी लगी चाउमीन। मैंने इसको ज्यादा नहीं खिलाई क्योंकि कभी इसके पेट में दर्द ना हो जाए। थोड़ी सी कैसी लगी? कैसी लगी? यम्मी लगी ना? पक्का? Okay. बस अब हम जा रहे हैं घर। अंधेरा हो गया है, सबकी लाइटें ऑन हो चुकी हैं रोड पे। आप देख सकते हो बिल्कुल सब लाइट ऑन कर लिए हैं। और अब घर पहुंचते ही मैं आगे किचन में गिन्नी के लिए मैं बनाऊंगी चिल्ला, क्योंकि मैं इसके लिए बेसन का बैटर जो है घोल के गई थी कटोरी में। और इसमें थोड़ा सा नमक डाले थे, मैं नमक नहीं डाल के गई थी। अच्छा, और नमक डाल के मैं गिन्नी के लिए बनाऊंगी अब चिल्ला। मैं जाके ले आऊंगी। और क्या करूंगा? अब गिन्नी का चिल्ला बना के मैं इसको खिलाऊंगी। हम रूम में चिल्ला, ठीक है? गिन्नी किस चिल्ला किस चीज के साथ खाएगा? सॉस के साथ खाएगा चिल्ला, ठीक है? ठीक है, चलो चलो बैठ जाओ। और मैं गिन्नी को खिला रही हूँ चिल्ला। ये खाने पीने के मामले गिन्नी ऐसी है, पता नहीं कितना खाएगी। सुबह आलू पराठा भी इसने ऐसे खाया था, देखिए मुश्किल से इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर दी बनाने के लिए। रखा थी कुछ नहीं, बोलो सिर्फ एक बाइट खाई इस लड़की ने। और अब लाइट में लग गई है। हम ये प्रोजेक्टर लाए हुए थे हम दिवाली पे गिन्नी के लिए, इसको स्टार बड़े अच्छे लगते हैं, तो इसको ऑन करवा लिया है फिर से। और मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ कुछ खा ले थोड़ा बहुत, पर ये लड़की है कि बस मुँह में ले लेती है एक बार बोलने से, और थोड़ी देर बाद देखना ऐसे चबा के बाहर निकाल देगी। मेरे बोलने से ले लेगी मुँह में एक बार, फिर बाहर निकाल देगी। इन बच्चों का यही रहता है। ये देखना, ये बाहर गिरा दिया है इस लड़की ने। इनको नहीं पता हम कितनी मेहनत से इनके लिए कुछ कुछ बनाते हैं, और ये देखा ऐसे करते हैं हमारे साथ। खेल बहुत मुश्किल से बोलो खा ले, बोलो नहीं नहीं खाना तो नहीं खाना बस। और बहुत रात हो गई फिर से किचन में। पहले मैं बनाऊंगी अरबी की सब्जी सबके लिए, और गिन्नी के लिए बनाऊंगी तोरी। उसके बाद मैं आटा लगाऊंगी, और उसके बाद मैं सारे बर्तन जचाऊंगी। ये सारा काम करूँगा मैं। फिलहाल स्टार्ट करती हूँ जल्दी जल्दी से, जब तक गिन्नी और जब तक गिन्नी मम्मी के पास खेल रही है तब तक मैं सारा काम जल्दी जल्दी गिन्नी की सब्जी हमारे लिए सब्जी बर्तन जाना आटा गूंदना ये सब सारा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ जब तक वो रुकी हुई है गिन्नी। अभी मैं उसको थोड़ा सा चिल्ला खिला के थोड़ा सा तो सारा बाहर ही निकाल दे थोड़ी देर पहले, और फिर से करती हूँ काम स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, और मैंने देखा मेरी बहुत सारी तो अरबी ख़राब निकल रही, ज़्यादातर अरबी नहीं इसमें से बहुत सारी अरबी मेरी यहाँ पे कभी लगाई थी, बहुत सारी अरबी मेरी बहुत सारी अरबी देखना सारी ख़राब निकल आई इतनी सारी देखने बहुत सारी। और बस ये थोड़ी सी ठीक निकले बना रही सब्जी। सब्जी का छोंक तैयार हो गया। मैं क्या करती हूँ जैसे सब्जी का टमाटर प्याज मसाले सब तैयार हो गया। देखो मेरा इसमें थोड़ा सा लेके इतना सा ना ऐसे थोड़ा सा लिए इतना सा, और ऐसे कुकर में डाल देते ऐसे थोड़ा सा, और इस ग्रेवी थी उसके आगे थोड़ा डालती, और एक गिन्नी कटी हुई तोरी डालती, और इसमें मैं थोड़ा सा आधा पानी डालती हूँ। गिन्नी की सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। एक तरफ कुकर में बन रही गिन्नी की सब्जी, और एक तरफ हमारी अरबी की सब्जी। और जब तक मैं अपना आटा लगा लेती हूँ एक तरफ, जब तक दोनों सब्जियाँ बन रही है, और इसके बाद मैं बर्तन लगा दूँगी, और जल्दी से मैं ये आटा लगा देती हूँ।
और मेरा आटा लग गया। मैं बर्तन से जा रही हूँ और मेरे बर्तन भी चुके हैं। ये मेरा आटा लग गया है और ये हमारी अरबी की सब्जी बनके हो गई तैयार। और ये गिन्नी बस मैं तोरी निकाल लेती हूँ क्योंकि गिन्नी की तोरी। और ये मेरे सारे बर्तन लग चुके हैं और इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद आ गई हॉल में। यहाँ पे गिन्नी थोड़ा खेल रही है, डांस कर रही है, मैं इसको देख लेती हूँ थोड़ी देर। बहुत देर से मैं किचन में थी तब तक गिन्नी खेल रही थी। ये अपनी मर्जी की मालिक है, कभी खेलने लग जाती है, कई बार ऐसे बिचर जाती है तो किचन में खड़ी रहती है जब तक किचन में काम करती हूँ। इसके मूड की बात है। अभी डांस कर रही है ये गजबन पानी ने चाली और नाचो नाचो ये और पानी दी की गल कर दे। ये तीन चार सॉन्ग इसके फेवरेट है, चिकन सॉन्ग, कुकड़ू कु, इन पर डांस करती है ये। और मैं वीडियो में सॉन्ग नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट्स क्लेम आ जाता है ना, तो मैं सिर्फ ओनली गिन्नी का डांस आन दिखा सकती हूँ। और ये अलग अलग डांस का स्टेप कर रही है। तब तो मैं गिन्नी की थोड़ा काम से फ्री, तो इस टाइम में इसकी थोड़ी डांस कर रही है, जो एक्टिविटी कर रही है गिन्नी। करती तो पूरा दिन है कुछ ना कुछ, लेकिन टाइम नहीं होता इतना, बस जो भी टाइम होता है उसी टाइम में मैं बना लेती हूँ इसकी वीडियोस। और इस तरह से इसको गोल गोल घूमने का बहुत शौक है। और अब करते हैं डिनर की तैयारी। सबसे पहले मैं लड्डू के लिए रोटी बनाऊंगी और इसके बाद मैं गिन्नी के लिए लड्डू की रोटी बना लेती हूँ पहले, फिर गिन्नी की। और हमने घर में बताया जैसे कि मैंने लड्डू को पाल लाए हुए हैं, सबसे पहले उनके लिए खाना बनता है, फिर गिन्नी के लिए, फिर सबके लिए। और मैं जल्दी जल्दी से गिन्नी और लड्डू के लिए रोटी बना लेती हूँ। और गिन्नी के लिए मैं बनाऊँगी आज चूरमा। और मैं अभी दोनों के लिए रोटी सेक के और मैं गिन्नी के लिए बनाऊँगी चूरमा। और जल्दी जल्दी से रोटी सेक लेती हूँ और मेरी रोटी सीख गई लड्डू की। और लड्डू के लिए मैं अभी खांड से चूरमा बनाऊंगी और फटाफट से मैंने ये निकाल लिया फिर से घी। और अब जल्दी से गिन्नी की रोटी सीख के गिन्नी की रोटी जो मैंने तोरी की सब्जी बनाई थी उसमें चूर दूंगी। अब लड्डू का चूरमा और गिन्नी की रोटी तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। और पहले मैं चूरमा और गिन्नी खाना हो गया तैयार, मैं पहले देके आऊंगी लड्डू को खाना और इसके बाद फिर गिन्नी को खिलाऊंगी खाना। और गिन्नी को खाना खिला के और सबको खाना खिला के टाइम हो गया 10:30 और रात के बज चुके हैं 10:30। मैंने बस अभी खाना खाया क्योंकि पापा और संदीप गए थे बाहर, तो पापा और संदीप को खाना खिला के उसके बाद मैंने खाना खाया। और अब मैं सुलाने जा रही हूँ मंदिर में लड्डू को। ये हमारा लड्डू है, अब मैं लड्डू को सुला रही हूँ और इसके बाद लड्डू के कपड़े वपड़े चेंज करके मैं लड्डू को सुलाती हूँ। चलो आ जाऊँ आ रही हूँ। किचन साफ सूफ करके मैं किचन, मेरा किचन बिल्कुल साफ हो गया। इस पतीले में थोड़ा सा मैंने दूध गर्म किया था और उसके बाद मैं जा रही हूँ नानी होम में। चलो आओ और अब हाँ आ गए हम अपने रूम में, लाइट कर लिए ओम और हम अपने रूम में जा रहे हैं। गिन्नी को बुलाऊंगी। गिन्नी क्या कर रहे हो, क्या छुप रख रहे हो, हैंकी बेड के नीचे डाल रहे हो, निकालो बाहर इनको सारे के सारे। गिन्नी ने सारे के सारे हैंकी देना से काम करते हैं, ये इसके नीचे डाल दे, हैंकी इसके नीचे डाल रहे हो सारे के सारे बच्चे, बाहर निकालो इनको। और इसके बाद देखो इसके काम देखो, अब ये पहले हैंकी निकालो बाहर, बेड पे हैंकी का डाले बस। और ये गिन्नी बाबू चले चे गिन्नी कपड़े रोज चेंज कर देते हैं। अब ये याद रखो सामने
और मैंने अपने कपड़े कर लिए चेंज, अब मैं करूंगी गिन्नी के कपड़े चेंज। गिन्नी रो रही है, हमने क्योंकि इसको दवाई दे दी, मैंने कपड़े कर लिए चेंज इसलिए रो रही, क्योंकि मैंने इसको दवाई दे दी, इस वजह से कोल्ड हो रखा है। गिन्नी ये प्रोजेक्टर ला रखा हमने, उससे छत पे स्टार मून ही दिखाई देती है, इनको जलवा ऑन करवा के सोते हैं रात को रोज। नहीं 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 बताओ, गिन्नी जो रहा मम्मा के पास। रात के बज चुके 11:30 और गिन्नी के पेट में हो गया बहुत तेज दर्द, और वो गई अपनी दादू के पास, मेरे पास बहुत रोड़ी थी तो इसलिए वहां गए। रात के बज चुके 11:30, गिन्नी के एकदम अचानक ही हो गया पेट में दर्द, इतनी तेज रोड़ी थी और बिल्कुल जो भी नहीं थी, और रोते हुए हम दवाई भी नहीं दे सकते उसको, इसलिए पापा जी के पास गई है। और पापा जी ने उसको दिए चॉकलेट, फ्रिज में चॉकलेट रखी हुई थी, अब बड़ी मुश्किल से जाके चुप हुई है, पता नहीं क्या दिक्कत हुई उसको, एकदम अचानक इतनी तेज रोने लगी और 15-20 मिनट से लगातार रोती रही, बिल्कुल ही चुप नहीं हुई, बिल्कुल एकदम उसके पेट में दर्द हो गया, पता नहीं क्या, चुपचाप खेल रही थी हमारे साथ और अचानक एकदम उसको पता नहीं क्या हुआ। हमें देखते हो अभी दादू के पास है, मेरे पास आते हैं तो पता नहीं रोएगी या नहीं रोएगी। और ये गिन्नी सोते सोते बजा देगी 12 या 1 बजे के आसपास सोती है, 12, 12:30 ऐसे सोती है। आज देखो उसकी तबीयत मुझे ऐसे लग रही है, क्योंकि उसके पेट में हो गया बहुत तेज दर्द, पर अभी तो चुप है। देखो दवाई देंगे तो पता नहीं रोएगी या नहीं रोएगी, क्या करती है। और वहाँ से गिन्नी लेके ये अपने दादू के पास लेके छाता, और इसमें कपड़े चाहिए थे, इसको पेट दर्द सुला रही साथ में सुना रही गिन्नी। अच्छा अच्छा, श्री कृष्ण, और मैं वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो देखने में सिर्फ 5-10 मिनट लगती है और हमें वीडियो बनाने में पता नहीं बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत करके बनाते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।